हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, आप देख रहे हैं पूजा बुटीक। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत स्लीव्स का डिज़ाइन, फ्रिल वाली, जो कि बहुत ही लेटेस्ट है, ट्रेंड में है। ये है स्लीव्स जिसकी मैंने कटिंग कर रखी है और सेंटर में मैंने वी शेप का कट दिया है। इसको फोल्ड करेंगे और मैंने इसकी पट्टी भी काट के रख रखी है वी शेप की, जिसके हम इसको ज्वाइंट करके उल्टी साइड फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसके ऊपर रख के मैंने पट्टी को कट कर लिया है। अब इस पट्टी को रखेंगे, इसकी सीधी साइड रखेंगे स्लीव्स की, और ऐसे सिलाई ले आएंगे एक पैर की। ये हमने एक पैर की सिलाई, एक वी शेप का जो कट करा है, इसके ऊपर पट्टी रखकर इस तरह से सीधी साइड पट्टी रखेंगे और एक पैर की सिलाई ले आएंगे। और अब हमें इसको ऐसे फोल्ड करके नाखून से सिलाई को बिठा लेंगे और इस तरह से फोल्ड करके आप कट लगाना ना भूलें। वी शेप के जो बिल्कुल वी शेप आएगी उसके सेंटर में कट लगेगा, तभी जाके फोल्ड होएगा प्रॉपर ये। और ऐसे बिल्कुल किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने क्या करना है कि ये पट्टी जो है वाइट मैंने काट रखी है लंबी, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। दोनों साइड फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इसके किनारे पे सिलाई लगाते हुए एक पट्टी तैयार कर लेंगे। ये पट्टी तैयार हो चुकी है। और हम बाजू रखेंगे और इस कट के बीच में से रख के थोड़ा आगे कैसे बढ़ाकर ताकि सिलाई के अंदर आ सके, हम इस तरह से रखकर इसके पीस काट लेंगे और इस पर हम वी शेप में इस पट्टियों को अटैच कर देंगे एक एक कर। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है आपने और गैप जो देना है पट्टियों का बिल्कुल बराबर प्रॉपर देना है। इस तरह से हम लगा देंगे और हम जो बैक साइड का जो कपड़ा अटैच करा था उसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और बिल्कुल किनारे पे हम इसकी सिलाई लगाएंगे, सीधी साइड रखते हुए लाएंगे हम। तो ये देखिए, सिलाई लग चुकी है। आप साइड चाहे तो उल्टी साइड रख के भी लगा सकते हैं। और ये है वाइट कपड़ा जिसकी मैंने पट्टी कट करी हुई है, इसकी हम इस तरह से प्लेट्स डालेंगे। छोटी प्लेट्स डालेंगे। ये हम फ्रिल तैयार कर रहे हैं। तो ये हो गई है हमारी फ्रिल तैयार। इसको हम बाजू की उल्टी साइड रखेंगे, सॉरी सीधी साइड रखेंगे और जो हमारी जो ये चुमटा डालनी थी हमने इसकी जो सिलाई लगाई थी इसके ऊपर बराबर रखते हुए सिलाई लगाते हुए बाजू पे ले आएंगे। तो अब ये देखिए, ये हमारी फ्रिल लग चुकी है। अब इसको अच्छे से बिल्कुल इसके किनारे पे अब हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारी फ्रिल लग चुकी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देते हैं और हम बाजू को इस तरह से फोल्ड कर देंगे
आप जितनी इनकी बाजू की गोलाई है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे और बाजू को हम बंद कर देंगे। अब हम बाजू को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है बाजू हमारी, इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्लीव्स बनकर तैयार हो गई है, तो आप बहुत ही अच्छी लग रही है, आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।